जो आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 20 से लेके 22 पद तक। फिर उन्होंने सुकोकोस से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मेरे प्रियो, जो अनुग्रह भरपूरी के साथ में हम अपने जीवन में रिसीव करते रहते हैं, क्या हम उसके योग्य हैं? Do we deserve the grace that we so richly receive of Him? जो अनुग्रह प्रभु भरपूरी के साथ में हमारे पर उंडेलते जाते हैं, मेरे प्रियो, क्या हम उसके योग्य हैं? आप देखें कि जब इसराइल जो है मिस्र देश से निकलता है और कनान जाने के लिए वो रवाना होता है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है उन 20 लाख लोगों के ऊपर। परमेश्वर जो थे वो बादल के एक समान दिन में रहते थे और रात में आग के खंभे के समान वो उनके आगे आगे चल के उनको रास्ता दिखा रहे थे। दिन भर वो बादल के समान प्रभु उस भीड़ के ऊपर रहते थे और रात को आग के खंभे के समान आगे आगे चल के उनको राह दिखाया करते थे। कितना बड़ा अनुग्रह, कितना बड़ा अनुग्रह जो है वो हमको घेर करके रखता है। मेरे क्या हम इस अनुग्रह को डिजर्व करते हैं? क्या हम इसके योग्य हैं? कई बार हमको लगता है कि प्रभु ये अनुग्रह थोड़ा सा कम है, प्रभु आपकी योजना थोड़ी सी गड़बड़ है और आपको ऐसा करना चाहिए था और मेरे जीवन में शायद ऐसा होना चाहिए था और प्रभु यहाँ पे कुछ कमी है और वहां पे कुछ घटी है और आपको ढेर सारी चीजों को हमारे जीवन में ऐसा करना चाहिए था और ऐसा करना चाहिए था। कई बार हम उसको उस अनुग्रह को हम नोटिस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते कि परमेश्वर जो बादल के समान हमारे साथ साथ चलते हैं और रात में एक आग के खंभे के समान वो हमको राह को दिखा रहे होते हैं। और कई बार हमको उसका अनुग्रह थोड़ा सा महसूस होता है, कई बार उसका अनुग्रह हमको थोड़ा सा महसूस होता है। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन लिमिटेशंस उसके 30वें अध्याय, विलाप गीत उसके 30वें अध्याय उसके 22वें पद में कुछ ऐसा कहता है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महा करुणा का फल है। परमेश्वर महान परमेश्वर। मेरे प्रिय, शायद आपने नोटिस ना किया हो, शायद आपने इस बात को पहचाना ना हो, शायद आपने इस बात को स्मरण ना किया, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और वो पाप से इतनी घृणा करते हैं कि वो पाप को देख तक नहीं सकते। शायद आपने इस बात को मिस कर दिया हो कि यीशु जब क्रूस के ऊपर संसार के पापों को लेके लटके थे तो परमेश्वर पिता ने अपना मुंह अपने प्रिय बेटे की तरफ से फेर लिया था। मेरे प्रिय, परमेश्वर पाप से इतनी नफरत करते हैं और ये वचन बिल्कुल सत्य है जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम मिट गए, उसकी महाकरुणा का फल है कि हम अभी तक के इस जिंदगी की जमीन पे हम कायम हैं और हम मिट नहीं गए। मेरे प्रिय, हमारे पाप तो बहुत गंभीर थे, हमारे पाप तो बहुत गंभीर थे और बहुत से दंड को हमको अपने जीवन में रिसीव करना चाहिए था, पर ये परमेश्वर की महान दया है, उसकी करुणा है जिसमें कि हो करके वो लेकर के हमको चलता है। उसका बादल हमारे साथ साथ रहता है दिन में उस गर्मी से बचाने के लिए और रात में हमको रोशनी देने के लिए, आग के खंभे में वो हमारे आगे आगे चलता है हमको रोशनी देने के लिए। पद को हम देखेंगे नहेमिया उसका 9वां अध्याय उसके 18वें पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वरन अब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है जी, और तेरा बहुत तिरस्कार किया जी, तब भी तूने
जी जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, उनको जंगल में नहीं त्यागा जबकि उन्होंने अपने मार्गों को ले लिया, जबकि लोगों ने अपने रास्तों को ले लिया, जबकि परमेश्वर का उन्होंने तिरस्कार किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया, अपने मार्ग पे चले गए, अपनी इच्छाओं में, अपनी मर्जी में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उस समय भी क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या हुआ परमेश्वर ने उनको, तब भी तूने उनको जो अति दयालु है, जंगल में नहीं त्यागा जबकि लोगों ने अपने मार्गों को ले लिया, अपने रास्तों को ले लिया, परमेश्वर को छोड़ के किसी और मार्ग के ऊपर चले गए, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। और क्या लिखा है, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटाया और ना रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। जी मैम, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है कि जबकि हम पाप में भी रहते हैं, जबकि हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, जबकि हम जिद करते हैं, जबकि हम हट करते हैं, जबकि उसकी आज्ञाओं को मानना नहीं मानते, उसके बावजूद भी परमेश्वर की दया को देखिए, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर की करुणा को देखिए, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के प्लान को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 19वें पद में, तब भी तूने जो अति दयालु है, उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटाया और ना रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, तूने उनको समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, अपना मन्ना भी खिलाना नहीं छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा, पानी भी देता रहा। कई बार हमको लगता है प्रभु यहाँ पे कमी हो रही है, कई बार हमको लगता है प्रभु घटी हो रही है, कई बार हमको लगता है प्रभु अनुग्रह कम पड़ रहा है, प्रभु और चाहिए, कई बार हमको लगता है प्रभु आपका फजल जो काफी नहीं है, हम डर रहे, हम घबरा रहे, ये कमी हो रही है, ये घटी हो रही है, प्रभु बेचैनी हमको कई बार सताने लगती है, कई बार हम निराश होने लगते हैं, कई बार हम आंसू में जाने लगते, कई बार हम घबराहट में जाने लगते। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को ठा करके देखे और आपको दिखाई देगा कि वो बादल हमारे पर बना हुआ है और वो आग का खंभा जो है वो हमारे सामने चलता रहता है, जबकि हम उसको त्याग देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, अपने मार्गों पे जाते हैं, अपने रास्तों को ले लेते हैं, अपनी जिद में रहते हैं, अपने पाप में रहते हैं, कई बार इतने बिजी होते हैं हमारे पास में समय नहीं होता परमेश्वर के पास में फिरने का, हमारे पास में समय नहीं होता कि परमेश्वर के साथ में समय को बिताए, उसके बावजूद भी उसका मन्ना डेली आता है और उसका जल का सोता हमारे लिए बेहतर है, उसके बावजूद भी वो मन्ना डेली आता रहता है, उसके बावजूद भी जो जल का सोता है वो हमारे लिए बेहतर रहता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये वो करुणा जिसके हम योग्य नहीं है, वो अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं है, वो मोहब्बत जिसके हम योग्य नहीं है, वो खूबसूरती जिसके हम योग्य नहीं है, वो दया जिसके हम योग्य नहीं है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में डालते एंड एवरी डे इसी मोहब्बत के साथ में, इसी दया के साथ में, इसी करुणा के साथ में, इसी मोहब्बत के साथ में वो हमको लेकर के चलता, इसी मोहब्बत में वो हमको सदा से लेकर के चलता रहा है और आंदा भी लेकर के चलता रहेगा। रुपये हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसके 15वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सुन जी मैं तेरे संग रहूंगा जी, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा जहाँ कहीं तू जाए रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। वाओ, ये कितना खूबसूरत है, कई बार हमको लगता है प्रभु अनुग्रह कम है,
कई बार आपको लगता है प्रभु शायद ये वाला काम आपको करना चाहिए, कई बार आपको लगता है प्रभु ये वाला मार्ग आपको लेना चाहिए, कई बार आपको लगता है प्रभु आपको ये वाले फैसले हमारे लेने चाहिए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका अनुग्रह बहुत ढेर सारा है, उसका अनुग्रह बहुत ढेर सारा है। शायद आपने नोटिस ना किया हो, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, शायद और बातों ने आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लिया, आपके दिमाग को भर लिया और शायद आप उसके अनुग्रह को मिस कर गए। पर मेरे प्रिय, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। जब तक के परमेश्वर ने अपने कहे हुए स्थान के ऊपर उनको नहीं पहुंचा दिया, तब तक के वो बादल उनके सर के ऊपर रहने पाया और वो आग का खंभा उनके आगे आगे चलने पाया। परमेश्वर का मन्ना कभी खत्म नहीं हुआ और जल जो था वो परमेश्वर को देते रहे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटने पाए। प्रभु का दया, प्रभु की दया और अनुग्रह उनके साथ साथ। हमारी आशा से कहीं ज्यादा, हमारी आशा से कहीं ज्यादा कार्य करने वाला परमेश्वर। प्रभु आपको एक उत्तम मार्ग में लेके चलते हैं, खूबसूरती के साथ में लेके चलते हैं, भरपूरी के साथ में लेके चलते हैं। प्रभु आप उसकी भरपूरी के ऊपर ध्यान दें, प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हम आपकी महाकरुणा को सराहते हैं, आपकी दया को सराहते हैं, हर समय मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। तो होने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन के हर क्षेत्रों में पिता परमेश्वर आपके हम अनुग्रह को पकड़े रहें, आपकी दया को पकड़े रहें, आपसे प्रेम करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आप निरंतर हमारी अगुवाई करते रहें और हमें उत्तम स्थान तक पहुँचा सके, उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर सके। लगातार कृपा करने वाले परमेश्वर हम सब पर दया करें, ताकि हम आप में बने रहें। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।